मध्य प्रदेश का लाल असम में शहीद। असम के कुकड़ी क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जवान अजय चौहान शहीद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कुकड़ी क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में गोली लगने से मध्य प्रदेश के नीमच के लाल अजय चौहान शहीद हो गए हैं। पार्थिव देह को लेकर बताया जा रहा है कि कल तक उनके पैतृक गांव बगाना पहुंच सकती है। अजय चौहान वर्तमान में असम में तैनात थे, वहीं भारत माता की रक्षा कर रहे थे। वह सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे। वहीं बताया जा रहा है कि गुरुवार को कुकड़ी क्षेत्र में हुए हमले में वे गोली लगने से शहीद हो गए हैं। पार्थिव शरीर कल तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। शहादत की सूचना मिलते ही परिवार सहित समूचे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। कल इनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर इनके पैतृक गांव आएगा, वहीं तिरंगा रैली के साथ उन्हें अंतिम विदाई भी दी जाएगी। वहीं राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई शहीद अजय चौहान जी को। अजय चौहान जी के श्री चरणों में सादर नमन व वंदन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।